नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चाइनीज़ मोटर रिवाइंडिंग का दूसरा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, यह 2880 में हम इसकी रिवाइंडिंग कर रहे हैं। इस मोटर की 1.25 इंच स्टेटर वाली मोटर है, 2 इंच इसका इनर डायर है। जी हाँ दोस्तों, और ये मोटर जो है वो चाइना की है और चाइनीज़ है। कई सारे पंखों में, कूलर में और टेबल फैन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, जो स्टार्टिंग कॉइल है ये पिच रहेगी स्टार्टिंग की 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। या दोस्तों, स्टार्टिंग की टोटल 2 कॉइल है। 1 कॉइल 3 बार मोड़ के डाली जाएगी और जो कॉइल है स्टार्टिंग की वो है 32 इंच की। जी हाँ दोस्तों, रनिंग की हमारी 33 इंच की थी तो स्टार्टिंग की 32 इंच की है, 1 इंच कम कर दिया है हमने। जी हाँ दोस्तों, और रनिंग में टर्न 300 थे और स्टार्टिंग की कॉइल के अंदर टर्न है 250, यानी कि 250। जी हाँ दोस्तों, और गेज सेम ही रखना है आपको, 35 नंबर। ठीक है, आप 34 से भी रिवाइंड कर सकते हो अगर आपके पास 35 नहीं है तो। ठीक है जी हाँ, तो दोस्तों ये जो पंखा है बहुत ही तेज़ी से चलता है, हाई स्पीड पे चलता है 2880 RPM पे, तो काफ़ी अच्छा पावर लेता है क्योंकि इसका स्टेटर साइज है, ताकत लगाता है, बड़ा है स्टेटर साइज इसका, और रोटर भी इसका अच्छा है। तो कई सारे पंखों में, टेबल फैन में, कूलर में ये मोटर आपको देखने को मिल सकती है। या फिर अगर ये मोटर ना हो, सेम टू सेम कोई और मोटर हो इस तरह के स्टेटर वाली, इसी तरह के स्टेटर वाली जिसका इनर डायर 2 इंच हो, 24 स्लॉट हो और 1.25 इंच स्टेटर साइज हो, तो आप ये डेटा आराम से लगा सकते हैं अगर आपको 2880 में रिवाइंड करना है तो। जी हाँ दोस्तों, दो पोल में हम इसको, दो पोल की मोटर है, दो पोल में इसको रिवाइंड कर रहे हैं हम 2880 में। 4 पोल पे भी इसको रिवाइंड कर सकते हो, 1440 में भी कर सकते हो, उस पे हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों ये 2880 RPM में चलने वाली हाई स्पीड मोटर है और ताकत अच्छा लगा देती है, करंट भी बहुत कम लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे पिच रहेगी 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। 1 कॉइल को 3 बार मोड़ के यहाँ पे डाला जाता है। अगर आप लोगों ने इस मोटर रिवाइंडिंग का पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा पहले पार्ट का। जी हाँ, और पहला पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कि रनिंग कॉइल कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लस में डेटा मैंने दोनों पार्ट में दे दिया है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, कि आप जिस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप हाईटेक टेक्निकल पे देख रहे हैं, दोनों चैनल पे ये वीडियो अपलोड है, राव जी एडवाइस पे और हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी पे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अब तक आपने दोनों में से किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोनों को, ताकि आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल सके, अच्छी अच्छी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। नोटिफिकेशन से फ़ायदा ये होता है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाता है, और फिर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके या अपने YouTube में जाके हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक आपको देखना है, हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे होते हैं इसके, और कैसे इसको धागा मारना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली कॉइल डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग की पहली कॉइल है। अब इसमें हम बची हुई अंतिम कॉइल डालेंगे, सेकंड कॉइल इसकी डालेंगे स्टार्टिंग की, और पिच सेम रहेगा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, और सभी स्लॉट में सिंगल कॉइल डालेंगी, कॉइल के सिंगल सिरे डालेंगे, डबल किसी में नहीं डालेंगे। जी हाँ, 2880 रिवाइंडिंग का यह फ़ायदा होता है, तो कॉइल आपको कम बनानी पड़ती है, आसानी से रिवाइंडिंग भी हो जाती है। 1440 में 8 कॉइल आपको इंस्टॉल करने होते हैं। जी हाँ, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जितना टाइट मोटर को बांधेंगे, पंखे की मोटर को, कूलर की मोटर को, जितना ज़्यादा आप कॉइल थोड़ी छोटी रखेंगे, ज़्यादा लूज आपको नहीं छोड़नी, उतनी ही स्पीड अच्छी मिलेगी और आपके जो तार हैं उसकी बचत होगी। ये चीज़ आप ध्यान कर लीजिए। अगर आप एल्यूमिनियम से बांध रहे हो तो अगर आप कॉइल को लंबा बना देते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा बना देते हो, 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा, 1/2 इंच, तो आपकी मोटर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ये चीज़ मैंने नोट की है, इसलिए फिक्स कॉइल आपको बनाना है, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। अगर छोटा कॉइल आप बना लेते हो तो रनिंग तो डल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग डलने में बहुत ज़्यादा आफत होती है, आपका टाइम बर्बाद होता है, और कई बार तो आपको दोबारा से कॉइल बनानी पड़ती है, आपका तार भी ख़राब जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कॉपर रिवाइंड आप कर रहे हो, कॉइल आप बड़ी बना देते हो तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि उसमें कॉपर ज़्यादा लगता है फिर कॉइल लंबी होने की वजह से, ठीक है। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई भाई सोचते हैं कि मोटा तार लगा देंगे तो मोटर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, और ज़्यादा टर्न कर देंगे तो मोटर ज़्यादा तेज़ चलेगी, तो कई सारी मिथ्स हैं जिस पे हम एक वीडियो भी बनाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों, मोटर के अंदर आपको परफेक्ट तार रखने होते हैं। अगर आप टर्न को बढ़ा देते हैं ये समझ कर कि ज़्यादा टर्न करेंगे तो मोटर तेज़ चलेगा या मोटर जलेगा नहीं, ये सोच कर आप अगर टर्न को बढ़ा देते हैं, डेटा से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, 40, 50, 60 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपकी मोटर के जो राउंड हैं, जैसे कि 1440 की वाइंडिंग है कर रखी आपने, 1440 आपके राउंड नहीं बने, वोल्टेज पूरा मिल रहा है लेकिन कैपेसिटर लगाने पे भी वो नहीं बने, तो आपकी मोटर बहुत ही जल्दी जल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राउंड होना, कंप्लीट राउंड मिलना चाहिए। अगर कंप्लीट राउंड आपको मिल जाते हैं मोटर के, ठीक है, तो आपकी मोटर नहीं जलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपके पास वोल्टेज कम आती है, वोल्टेज बहुत कम आती है, तो आप अपने मोटर के जो डेटा के हिसाब से टर्न को कम कर दीजिए, आपकी मोटर सही स्पीड पर चलेगी, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा देने पर फिर वो जल भी जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर हाँ आपकी वोल्टेज 230 से ज़्यादा आती है, एक्स्ट्रा ही आती है, तो आप डेटा के हिसाब से जो आपका डेटा है आप उसमें 20-30 टर्न आप बढ़ा भी सकते हैं। फिर आप मोटर को आपको देखना होता है कि मोटर किस तरह की है, ठीक है। अगर समरसीबल मोटर है तो आपको 2 टर्न बढ़ाने या घटाने होते हैं। चक्की मोटर है तो आपको लगभग 7-8 टर्न या 10 टर्न तक बढ़ाने घटाने होते हैं, ठीक है। ये जो पंखे की मोटर होती है इसमें हम 50-60 टर्न घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वो देखा जाता है कि मोटर किस चीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी मोटर है, कौन सी वाइंडिंग, ये सब चीज़ें देख के ये किया जाता है। इस मोटर के अंदर 4 तार
रनिंग के निकलेंगे, चार स्टार्टिंग के निकलेंगे, फिर उनका एक एक तारों को हम एक से तीन में जोड़ देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के भी और रनिंग के भी, और चार तार हमारे निकल जाएंगे बाहर, दो रनिंग के दो स्टार्टिंग के। जी हाँ दोस्तों, जैसे फर्राटा रिवाइंड करते हैं ये सेम प्रोसेस है, बस मोटर अलग है, डाटा अलग है, ये फ़र्क है। तो आप से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप ये जो डेटा मैंने आपको बताया है इस मोटर के अंदर, अगर अदर मोटर में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखना यह है कि मोटर का स्टेटर साइज जो है ऐसा ही होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टेटर साइज मोटा हो या थोड़ा पतला हो तो उस पे आपको कॉइल साइज आप निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनर डायर और आउटर डायर या रोटर का फ़र्क हुआ तो आपको डेटा चेंज करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास सेम स्टेटर की मोटर आती है, इस तरह की कोई भी मोटर आती है किसी भी ब्रांड की, तो ये डेटा लगा के उसे रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसमें कागज़ बीच में लगा देते हैं, ठीक है, दोनों साइड आपको कागज़ लगा देते हैं। लेकिन एक चीज़ भी देखी गई है कि कागज़ लगाने से वाइंडिंग थोड़ी घुचड़ू सी हो जाती है, ठीक है, और कागज़ लगाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आपके पास जो टेप आती है वो टेप लगा दें, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कागज़ टेप से ज़्यादा मजबूत होता है, ये चीज़ भी देखी गई है। एक अच्छी फिनिशिंग करना चाहते हैं तो आप टेप ही लगाएं, कागज़ न लगाएं, ठीक है। कागज़ लगाने से थोड़ी सी शेप इसकी बिगड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए कनेक्शन करते हैं तो रनिंग के चार तार हैं हमारे पास। तो पहले तारों को डबल आप कर ले, डबल का मतलब फ़ायदा ये होगा कि तार आपके जल्दी से टूटेंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, और जोड़ भी आपके मजबूत होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने किया है, एक ही तार को डबल कर लिया है, चार तार रनिंग के चार स्टार्टिंग के हैं, सभी को माचिस से छील लेते हैं, ठीक है। मैंने इस मोटर में एल्यूमिनियम का यूज़ किया है, तो अगर आप एल्यूमिनियम से रिवाइंड करना चाहते हैं तो रिवाइंड कर सकते हैं, कॉपर से रिवाइंड कर सकते हैं, सेम डेटा रहेगा, कोई बदलाव आपको नहीं करना है। अगर ट्रन पे बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऊपर नीचे कम नहीं करना है, बढ़ा देना है 10 पीस, लेकिन कम नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम रनिंग में कनेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले रनिंग की कॉइल का एक तार ले ले और उस पर एक तार लगा दे, वायर लगा दें, फिर उस कॉइल का कनेक्शन अगली कॉइल के एक से तीन में कर दें, ठीक है। और फिर बचा हुआ रनिंग का तार जो है उस पर भी एक तार आप लगा दें। तो ये हमने बीच में जोड़ वो बना दिया, कनेक्शन कर दिया रनिंग का एक कॉइल से दूसरे में, एक से तीन में। अब रनिंग में हमने दो तार लगाए हैं, सबसे पहला तार हमने लाल लगाया है, रेड तार, और एक ब्लू तार हमने लगाया है जो कि रनिंग का है, लास्ट का है। अब हमारे पास स्टार्टिंग के चार तार बचते हैं जिनको हमें दो तार में कन्वर्ट करना है बीच में कनेक्शन देके। तो रनिंग की किसी भी कॉइल के एक तार में आप एक ब्लैक तार लगा दें और उस कॉइल के बचे हुए दूसरे तार को आप स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल में कनेक्शन दे दें, एक से तीन में, ठीक है। और जो तार बचता है उस पर भी आप ब्लैक तार लगा दें। तो तार का कलर
कोई भी आप लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाया, रनिंग में क्या लगाया है, ठीक है। अब चलिए इस पे धागा हम मार देते हैं, तो थोड़ी सफाई से इस पे धागा मारना होता है। और एक चीज़ और, अगर आप बारीक तार का यूज कर रहे हैं, 35 नंबर, 36 नंबर, 34 नंबर और एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा टाइट धागा ना मारें। अगर ज़्यादा टाइट धागा आप मारेंगे, कहीं से तार खींचा हुआ मिला तो टूट जाएगा और फिर आप उसको ढूंढते रहोगे, आपका सर में दर्द हो जाएगा फिर। तो ये एल्युमिनियम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मोटे तार हो तो बात अलग है, लेकिन पतले तार में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार होता है कि हम रिवाइंड करके कंप्लीट कर देते हैं, उस समय ठीक दिखता है, थोड़ी देर बाद जो हमने जोड़ बनाए थे वही फिर ढीले हो जाते हैं, उसको फिर दोबारा से लगाना पड़ता है। कई बार तार टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एल्युमिनियम की रिवाइंडिंग में। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम की रिवाइंडिंग बहुत ही धीरे धीरे करनी चाहिए और सावधानी से करनी चाहिए, और जो जोड़ हैं वो थोड़े मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो जोड़ों में जो तार आप लगाते हैं वो तार ऐसे थोड़े से हल्के होने चाहिए, नाजुक होने चाहिए। अगर आप मोटे तार लगाओगे तो जोड़ जल्दी जल जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और एल्युमिनियम वाइंडिंग में आप एल्युमिनियम के ही कनेक्शन करें, एल्युमिनियम तार से ही कनेक्शन करें, जो आप वायर लें वो एल्युमिनियम का ही लें। जब आपके पास न हो तो ही आप कॉपर का यूज करें, ठीक है। अगर आप कॉपर का यूज करना चाहते हैं एल्युमिनियम के साथ, तो आप जोड़ बना के उस पर थोड़ा पेस्ट लगा के उस पर सोल्डरिंग कर सकते हैं आयरन से, तो उससे अच्छा रहता है, कार्बन वगैरह नहीं आता है, जोड़ अच्छा टाइट होना चाहिए। एल्युमिनियम में ख़राबी देखी गई है कि हम फैन को चला देते हैं, चलता है एक सीज़न, अगले सीज़न हम जब चलाते हैं तो नहीं चलता है। होता क्या है कि जो जोड़ होते हैं कार्बन आ जाते हैं, या मोटर के अंदर थोड़ी सी भी सील चली जाए तो तार ही गल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें देखी गई हैं। तो आप जब भी अपने लिए रिवाइंड करो मोटर को, अगर आप सीख रहे हो तो आप एल्युमिनियम का ही यूज करें, क्योंकि आपकी वाइंडिंग जल भी सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं, या कॉइल छोटी भी बन सकती है, कई कारण हो सकते हैं। तो एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा सस्ता आता है, काफ़ी ज़्यादा, और वेट भी बहुत ही हल्का होता है वेट में, इसलिए बहुत ज़्यादा चढ़ भी जाता है, 1 किलो में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो डबल फ़ायदा है। नुकसान ये है कि इसको कोई लेता नहीं है फिर, ठीक है। कॉपर का यूज़ आप करें जब अपनी घर के रिवाइंडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 तार हमारे निकल गए हैं मोटर को चला दोस्तों के हम इसको चला के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर लगा लेना है 3.15 का, ठीक है, 3.15 का आपको लगा लेना है, और एक ब्लैक तार, ठीक है, एक रनिंग स्टार्टिंग का लेके हम कॉमन बना लेना है इस तरह से, नीला और एक ब्लैक तार मैंने लिया है, रनिंग का है लीला और स्टार्टिंग का ब्लैक है, इनको कॉमन बना लेना है। 2 तार बचते हैं, दोनों को कैपेसिटर में लगाना है, रेड और ब्लैक। अब इसमें हम वोल्टेज देंगे, वोल्टेज का एक तार मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मेरे हाथ में है। जैसे ही मैं इस पर वोल्टेज देता हूँ, प्लस पे यहाँ पे देना है, जो रेड तार है रनिंग वाले पे देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही स्लो दिख रहा होगा, लेकिन कैमरे में दिख ही रहा है आपको, लेकिन 2880 से भी ज़्यादा RPM ही दे रहा है, लगभग 3000 की, ठीक है। और मैंने इसको ताकत भी इसकी टेस्ट की है, मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की कि देखा जाए कि इसकी ताकत क्या है। देखिए देखिए, मैंने फुल भीच रखा है, लेकिन देखिए रुक नहीं रहा है। जब मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत बोलते जिसको, तब जाके रुका है। तो खूब अच्छी RPM दे रहा है, खूब अच्छी ताकत ये दे रहा है, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।